Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh and in this video tutorial I am going to discuss about how to prepare any interview. ठीक है, किसी भी इंटरव्यू को टैकल कैसे करना है. मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेजेस एंड अलग अलग चीज़ों के लिए या अलग कंपनीज के लिए, चाहे वो प्राइवेट कॉरपोरेशन हो, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन हो या यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, हर जगह मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है. ठीक है, सो कई सारी चीज़ें क्वालिफाई भी हुए हैं, कई जगह पर आप फेल भी होते हैं. ठीक है, सो एक जो छोटी सी चीज़ आप लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह पे ये कई तरीके के लोग मिलेंगे जो बताएंगे इंटरव्यू ऐसे क्लियर करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, मैंने जो एक चीज़ सीखी है कि अपने थ्रू आउट द एक्सपीरियंस मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो, उसके लिए बहुत पहाड़ नहीं तोड़ना है. एक सिंपल सा होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि वो चाहते हैं. अगर मैं सिंपल आपके लिए बोलूँ कि एक अगर कभी भी आप किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हो तो एक छोटा सा चीज़ जो आपके दिमाग में आना चाहिए, जस्ट सपोज कि मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ, एक इंस्टीट्यूट का एचआर हूँ या कहीं पे भी हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, एक प्रोफेसर हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरे पास जो बच्चा आएगा वो कैसा होना चाहिए. अपने आप को वो प्रोफेसर, वो एचआर या वो इंस्टीट्यूट का मैनेजर समझ के देख लो, वो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर, कि आप क्या चाहोगे उस बच्चे में. एग्जैक्टली वही चीज़ जो होते हैं वो प्रोफेसर्स, एचआर और मैनेजर्स चाहते हैं कि हाँ मेरे पास इस क्वालिटी का बच्चा आना चाहिए. एग्जैक्टली अगर ये आपको बात समझ में आ जाएगी कि आप अपने आप को, अगर आपकी एक कंपनी होती है और आपको किसी को हायर करना होता तो आपको क्या क्वालिटी चाहिए. डेफिनेटली सी बात है कि अगर मैं एक सिंगिंग कंपनी चला रहा हूँ, एक सिंगिंग कंपनी चला रहा हूँ और आप डांस के मास्टर हो तो आप मुझे नहीं चाहिए. भले ही आप डांस में कितने भी अच्छे हो, मेरी कंपनी के लिए परफेक्ट नहीं हो. ये चीज समझ में हो आ रही होगी आप लोगों को कि हर एक कंपनी, हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक लैब, हर एक जगह की एक डिजायर्ड, एक इच्छा होती है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे लिए ये काम करे. तो कई लोग इंटरव्यू में फेल होने के बाद अक्सर वो ऐसा समझ लेते हैं कि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि आप किसी इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर सकते. नॉट एट ऑल, कभी भी डिमोरलाइज ना हो किसी भी इंटरव्यू में अगर आप फेल होते हो. बस अपने आप को ये समझना है कि जिस इंटरव्यू से आप फेल हुए हो वो आपके लायक नहीं था. या सीधी सी बात है कि वो आप वो जिस क्वालिफिकेशन के लिए जो इंसान चाहिए होता. कभी कभी मैं आपको बता दूं कि एक जगह पे मैं इंटरव्यू देने गया था ICAR में, ठीक है, वहां पे जब इंटरव्यू हुआ था तो सामने मुझे ये बोल दिया गया कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट. एक पोस्ट था जिसके लिए मैं गया था, उस वक्त मेरे पास बहुत जॉब्स नहीं थे तो मैं दौड़ रहा था जहां भी मुझे मिल जाए. सो एग्जैक्टली गाइस, कभी कभी आप ओवर क्वालिफाइड भी होते हो, इसके वजह से भी आप रिजेक्ट होते हैं इंटरव्यूज में. तो रिजेक्शंस को ये ना समझे कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, ठीक है. ये समझने की कोशिश करें कि इंटरव्यूज लिया क्यों जाता है, ठीक है. जरूरी नहीं, अगर मैं कहूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी चला रहा हूँ जहाँ पे कि जूते सिले जाते हैं, ठीक है, और उसके लिए मुझे एक वर्कर चाहिए जो जूता सिलना चाहिए, आप हो अच्छे खासे क्वालिफाइड, मैं आपको क्यों लूंगा. फिर आप ओवर क्वालिफाइड हो जाओगे. ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ. सो जस्ट गाइस, किसी भी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर ये थॉट आना चाहिए कि इंटरव्यू हुआ चाहे नहीं हुआ वो मैटर नहीं करता, और वो आपके कैपेबिलिटी, आपके जजमेंट, आपकी क्वालिटी, आपके किसी भी चीज़ को, लिमिट्स को वो जज नहीं करता, ना ही वो डिफाइन करता है एक इंटरव्यू में होना या ना होना. सबसे पहली चीज़, अक्सर लोग बता देते इंटरव्यू होगा नहीं होगा, जिंदगी नहीं है इंटरव्यू, एक सिर्फ और सिर्फ एसेसिनेशन का तरीका है, और 15 मिनट में आपके पूरे नॉलेज और कैरेक्टर को जज नहीं किया जा सकता. यस, उसका आइडिया लगाया जा सकता है लेकिन कंप्लीटली जज नहीं किया जा सकता. किसी जमाने में मुझे भी ये बोला जाता था कि आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ लोगों का ओपिनियन आपके पूरे के उस 5-10 मिनट का ओपिनियन पूरा आपके 25-20 साल की जिंदगी को डिफाइन कर देगा कि आपने कुछ किया ही नहीं, आपके अंदर कुछ है ही नहीं. सो पहली चीज़, इसीलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ कि पहला दिमाग में आना चाहिए कि इंटरव्यू सिर्फ एक इंटरव्यू है. आपके नॉलेज या उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशंस के लिए आपको ये चेक करना कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, सिंपल, जैसे एग्जाम्स के लिए होते हैं, ठीक है. नाउ अब इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो देयर इज सेकेंड पॉइंट. पहली चीज़ ये जानना कि इंटरव्यू सिर्फ एक प्रोसेस है, कुछ जज करने या फेल होने के बाद कुछ डिसअपॉइंट होने का तरीका नहीं है. दूसरा, कि आपको कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में पता होना चाहिए. हम इंटरव्यू में जाते हैं ना तो तीन तरीके के लोग आपको मिलेंगे, एक अंडर कॉन्फिडेंट, एक कॉन्फिडेंट, एक ओवर कॉन्फिडेंट.
अंडर कॉन्फिडेंट ये रहेगा, डरता रहेगा यार नहीं होगा तो क्या होगा, ये जॉब नहीं वो जॉब नहीं, ये पीएचडी नहीं वो यूनिवर्सिटी नहीं, यही तो जिंदगी है, यही आईआईसी बैंगलोर है, यही है। नॉट लाइक दैट यार, पहली चीज है समझो कि जिंदगी नहीं है। अंडर कॉन्फिडेंट लोग अक्सर रिजल्ट के ऊपर वर्क करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम एंटीसिपेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, एंटीसिपेशन में नहीं जाना है आपको, एंटीसिपेशन में जाओगे तो गड़बड़ करोगे, ठीक है, कि ये क्या होगा तो क्या होगा, अभी हुआ नहीं है, जबरदस्ती का प्रॉब्लम अपने सर पे अपने मत्थे पे मर लिया और उससे प्रॉब्लम फेस करने लगे। सेकंड थिंग, जो होते ओवर कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बस आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताने वाला हूं कि कॉन्फिडेंस होता है स्टेटमेंट विथ जस्टिफिकेशन एंड ओवर कॉन्फिडेंस होता है स्टेटमेंट विदाउट जस्टिफिकेशन। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, उसे पूछा गया कि ये हमारी कंपनी में ये काम करना है, आप कर सकते हो, मैं कहूंगा यस मैं कर सकता हूं, डेफिनेटली यहां तक चीजें ठीक चल रही थी कि मैं कर सकता हूं, झलक रहा है कि इस बंदे के पास, इस पर्सन के पास वो टैलेंट है, ये उस कॉन्फिडेंस है। लेकिन यही से एक दूसरा क्वेश्चन आता है आपके इंटरव्यू में कि क्या कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दैट। किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहला ये चीज पूछा जाता है कि क्या कर सकते हो, या क्या आपकी क्वालिटीज है, यस मेरी क्वालिटीज है, आप उसको फुलफिल कैसे करोगे उस कंपनी के लिए, हाउ, इसका जवाब मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता। यही एक डिफरेंस है, जब बोलूंगा कि आई कैन हाउ, इसका अगर मेरे पास जवाब है कि मैं कैसे कर सकता हूं इस प्रोसेस को, उसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस। और अगर आपके पास हाउ का जवाब नहीं है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस लो, कि सिर्फ हवा में बोल रहे मैं कर सकता हूं, जब कैसा पूछा गया तो आपके पास कोई प्रोसीजर ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि जस्ट अंडरस्टैंड कि तीन जो लेवल्स होते हैं, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस, इसमें से ना तो अंडर रहना है ना ही ओवर रहना है, रहना है कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट जब रहेंगे तो कैसे रहेंगे कॉन्फिडेंट, किसी चीज को कॉन्फिडेंस कैसे फील करते हैं, बार बार मैं स्टोरीज बताता रहता हूँ कि जस्ट सपोज आप किसी राज एम्पायर है, एक आपका एम्पायर है, आप किंगडम या क्वींडम है, जो भी आप अगर मेल और फीमेल अपने हिसाब से समझ सकते हैं, उसमें अगर सिंपली मैं बात बोलूँ कि आप पे दूसरा राजा कोई अटैक करने वाला है आपके साम्राज्य पे, आपको उस दूसरे राजा के बारे में कुछ नहीं पता, कितने सोल्जर्स है, कितना हथियार है, क्या स्ट्रेटेजीज वो अपनाएगा, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं सामने वाला कैसे अटैक करने वाला है। सिंपल, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, सचिन तेंदुलकर या कोई भी अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, सामने वाले बॉलर को पता नहीं कि वो फास्ट फेंकेगा, स्पिन फेंकेगा, फुल टॉस फेंकेगा या बाउंसर फेंकेगा, तो आपको पता ही नहीं लगना, आप कॉन्फिडेंट ही नहीं फील करोगे जब बैटिंग करोगे तो। एग्जैक्टली, कि सामने वाला जो है वो कैसी बॉल आपको डालने वाला है, कैसा स्ट्रेटजी अपनाने वाला है, वो आपको पता होना चाहिए। वो पता कैसे चलेगा, वो स्ट्रेटजी जानने के लिए पता कैसे करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए वो स्ट्रेटजी जाननी पड़ेगी, उसके लिए आपको पता करना होता है उसकी वेबसाइट पे जाके। आजकल हर चीज डिजिटलाइज है, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पीएचडी, किसी प्रोफेसर, कहीं पे भी जा रहे हो, उस प्रोफेसर के साइट पे जाओ, उस इंस्टीट्यूट के साइट पे जाओ, उस प्रोफेसर के नाम को सर्च करो, उस नाम को सर्च करने के बाद उसने कौन कौन से रिसर्च एरिया में काम किया है, किस फील्ड पे काम किया है, क्या क्या पेपर्स है, उनके बारे में लर्न करो कि इन्होंने इस चीज पे रिसर्च करी है। सिंपल फिनोमेना, हाउ यू कैन थिंक कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो अपने नॉलेज को, कि इन्होंने ये चीज की है। तब आप जब जाओगे, वो इंसान पूछेगा, वो प्रोफेसर आपसे पूछेगा कि यस आप किस फील्ड में काम करना चाहते हो, पहली बात तो आपका माइंड मेकअप हो चुका होगा कि इन्होंने इस फील्ड में काम किया है, तो हम इस तरीके से बताएंगे कि हमने इस फील्ड में काम किया, ठीक है। सो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपने उस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है कि वो उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोफेसर है, किस किस फील्ड पे काम कर रहे हैं, क्या रिसर्च अभी चल रहा है, ये सारी चीजें जब आप उनके वेबसाइट उनके गो थ्रू होके जाओगे तो आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील करोगे। इसके अलावा कॉन्फिडेंट फील करने का दूसरा तरीका, ये तो था दूसरे के बारे में जानना, उस ये तो आपको 50% कॉन्फिडेंट फील कराएगा, बाकी का 50% जो कॉन्फिडेंट फील कराएगा वो आपको खुद को जानना कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अगर मान लो कहीं पे कैंसर बायोलॉजी का काम चल रहा हो, कहीं पे किसी भी मार्केटिंग फील्ड का जॉब निकला हो, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए आप कैसे सुटेबल हो, आपका वो कौन सा स्ट्रेंथ है जो काम आ सकता है वहां पे, आपके अंदर ऐसी क्या चीज है जो वहां पे काम आ सकती है, उसको सोचो इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले
कि हाँ मैं अगर मेरे पास सबसे पहला इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट जो जवाब होता है किसी भी इंटरव्यू का, मैं आपको बता दूं सबसे पहले शुरुआत यही होती है हाउ टू इंट्रोड्यूस, मतलब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड यू विल टेल कि हाँ मैं ये फला 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 एंड उसके बाद अच्छा कैसे फैमिली बैकग्राउंड हॉबीज, यहाँ तक चलते चलते जो सबसे जवाब होता है कि वाई शुड वी हायर यू, चाहे वो कंपनी हो ऑर्गेनाइजेशन हो पीएचडी लैब्स हो प्रोफेसर हो, हम आपको क्यों हायर करें, आपके अंदर ऐसा है क्या, तो उसका जवाब जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि यही एक एक क्रिटिकल क्वेश्चन होता है जहां से वो आपको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आपके पास इसका जवाब सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो नहीं ठीक है। ठीक है, सो सही कैसे करते हैं कि आप पहले से इस पे वर्क करोगे कि वहां पे जो पोजीशन निकली है, जो प्रोजेक्ट निकला है, जो टाइटल निकला है, उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई इंसान जो है एम्स में जा रहा है पीएचडी करने, वहां पे निकला हुआ है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर पे ये टॉपिक है इस जीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो नाउ यू हैव टू रीड, आपको गूगल पे जाके उस फील्ड से रिलेटेड पेपर सर्च करो क्या क्या काम हो रखा है, उसमें कौन कौन से मॉलिकुलर लेबोरेटरीज वर्क होते हैं, उन लेबोरेटरीज वर्क को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से लेबोरेटरी वर्क उसमें से कितने आते हैं, और अगर नहीं आते तो उनको एटलीस्ट थ्योरी पढ़ लो कि क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है उन सब चीजों के बारे में। ऐसे आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, तब आप जब जाओगे वो पूछेंगे कि आप कैसे ही सुटेबल हो, तो आप बोलोगे कि आप इसको, आपको पता है कि इसमें ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये चीजें मैं जानती हूं और इन चीजों के लिए मैं लर्न करना चाहता हूं या चाहती हूं। सिंपल, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, 50% सामने वाले के जानने से और 50% खुद को जानने से कैसे हम एप्लीकेबल हैं। सो ये रहा आपका टिप कि कैसे आपको इंटरव्यू टैकल करना है। ठीक है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप अगर मैं बात करना चाहूं कि पहला चीज मैंने ये बोला कि इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है, दूसरा कॉन्फिडेंस क्या है वो समझना जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंट और अनर कॉन्फिडेंट होके नहीं जाना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है भाई, एक इंटरव्यू ही है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू है, कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको बहुत निचोड़ देगा। समझने की कोशिश करना, कई जगह पे, ठीक है, बहुत टू बी वेरी फैक्ट में बता दूं कि कई जगह पे इंटरनल पॉलिटिक्स भी चलती रहती है। ठीक है, तो डिसअपॉइंट नहीं होना चीजों को लेके, आपको क्या करना है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, अपने ऊपर बिलीव करो कि मैं कर सकता हूँ। बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना, ना कि ज्यादा एरोगेंट होना है कि बहुत ज्यादा यस मुझे ही सब कुछ आता है सामने वाले को फोड़ देना है, हमेशा सामने वाले के मूड को टैकल करना है। ये देखो, आपको एग्जामिनर या इंटरव्यूअर आपके दिमाग से खेलेगा, आपको उसके दिमाग से खेलना है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि थर्ड टिप यही है, दिमाग गेम चलता है, माइंड गेम। वो कभी कभी क्वेश्चंस लेके आपको प्रोवोक करेंगे, प्रोवोक नहीं होना है, अपने माइंड को काम रखना है। सबसे बड़ी चीज, काम रखो अपने आप को, यस बी काम जो है ठीक है। वो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे जिससे आप प्रोवोक हो जाएगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आप तो एलिजिबल नहीं, आपके पास ये नहीं है, डोंट वरी। वो कौन होता है जज करने वाला, वो कौन होते हैं जज करने वाले। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो अपने आप को काम रखो। और दूसरी चीज की उनके माइंड से खेलो, वो कैसा डिजर्व करते हैं। मैं जब छोटा सा किस्सा बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, किस्सा बहुत छोटा सा है कि जब आई वॉज प्रिपेयरिंग एंड आई वॉज इन इंटरव्यू विद द नेस्ले, ठीक है, वहां पे मेरा जो फाइनल राउंड इंटरव्यू था उसमें क्या था, ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट इंटरव्यू चला था जो मेरा, उसमें क्या था कि जो मेरा इंटरव्यूअर था उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि मुझे मार्केटिंग के फील्ड में जो पोस्ट मिल रही थी मार्केटिंग, और बोला था मैं डॉक्टर हूँ और ये रहा तुम्हारे पास सेरेलैक, बेच के दिखाओ मुझे। सो वो लाइव सिचुएशंस आ गई थी और करीब 15-20 मिनट तक कॉन्टिन्यूस कॉन्वर्सेशन चला था, कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशन जिसमें आपके अपने मूड को, अपने आप को एक एक्ट करना होता है कि यस आप जिस कहते हैं कि जब आप उस मूड को टैकल करोगे, सामने वाले को समझोगे वो चाहता क्या है, वो ये चीज चाहता है कि आप उसके तरीके से मोल्ड हो, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो, पानी की तरह रखो, पत्थर की तरह रखने की जरूरत नहीं, ताकि फ्लेक्सिबल हो जाओ और फिर उसके मूड के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करो और चेंजों को समझ जाओ। अब थोड़ा शिफ्ट करने की बात हो रही है, पूरा शिफ्ट नहीं करना, इतना भी नहीं कि कभी इधर बिन पेदी का लोटा नहीं बनना है, पानी की तरह बनना है, कभी इधर कभी उधर नहीं जाना है। सिंपल सा है कि आपको करना क्या है जी, आपको करना यह है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना है, थोड़ा सा उनकी तरफ से, थोड़ा सा अपनी तरफ से। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप यह है कि नेवर गेट इमोशनल। ठीक है, इमोशनल नहीं होना इंटरव्यू में। कई बार ऐसे होता है कि हम चीजों को उस तरीके से चीजें आती है कि हमें लगता है कि हम इमोशनल होकर सामने वाले को इंप्रेस कर लेंगे। नेवर गेट इमोशनल, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर आप इमोशनल हो जाते हो, सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये दुखियारी, ये आत्मा, ये सारी चीजें कभी नहीं करनी,
नेवर गेट इमोशनल, नेवर से नेगेटिव थिंग्स। अगर मैं फिफ्थ टिप के बारे में बात करूं तो नेवर से नेगेटिव थिंग्स। आपके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव थिंग्स हुई होंगी, अगर वो आपसे ये पूछे कि पास्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, वो कंपनी, वो इंस्टीट्यूट, वो गाइड, वो टीचर, व्हाटएवर, बुराई नहीं करनी है। अगर आप बुराई करोगे तो ये सीधा जताएगा कि आप यहां से भी रहोगे तो यहां पे भी लोगों की बुराई करोगे, या यहां से जाओगे तो लोगों की बुराई करोगे। सो ये चीज समझना कि आपको बुराई या निगेटिव चीजों को एक्सपेल नहीं करना, ठीक है, आपको बुराई नहीं करना, ये सारी चीजें नहीं करना। छठवें टिप्स के बारे में बात करते हैं कि आपको करना क्या है पैसे के बारे में। कभी क्या बात होता है, जब हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं पीएचडी के लिए, नहीं तो वहां पे होता है कि कितने पैसे लोगे भैया, नहीं बी स्पेसिफिक नहीं होना, ठीक है, कभी भी पैसे को लेकर स्पेसिफिक नहीं होना कि मुझे इतने लाख चाहिए, इतना थाउजेंड चाहिए, नो, नेवर बी स्पेसिफिक। डिप्लोमेटिक आंसर देना कि सर ऑलमोस्ट इन इतना मिलता था और एक्सपेक्ट करता हूँ बेस्ट मिलेगा इस इंडस्ट्रीज में, समथिंग लाइक दैट। सेवेंथ टिप्स, कभी भी ऑफेंड नहीं होना कि आपको इंग्लिश कम आती है, हिंदी ज्यादा आती है, हिंदी कम आती है, इंग्लिश ज्यादा आती है। लैंग्वेज इज, इंग्लिश और हिंदी इज जस्ट द लैंग्वेज, नॉट टू चेक द इंटेलिजेंस। कहीं कहीं पे जैसा जॉब होता है कि अगर कुछ ऐसे होते हैं जहां पे टेलीकॉम कंपनी से जॉब से होते तो वहां पे इंग्लिश कंपलसरी होता है, अगर वहां पे इंग्लिश अच्छी नहीं आएगी तो फिर आपको नहीं लेंगे, तो वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन इंग्लिश और हिंदी इज जस्ट द वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज नॉट द वे टू चेक योर नॉलेज। सो इसके लिए हेजिटेट मत करना, अगर कोई जवाब दे पाते हो सो ट्राई टू से इट हिंदी। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस खुद करके जाना, मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करके जाना, जो कि 8 टिप्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि बिफोर अपियरिंग इन इंटरव्यू जस्ट प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, सम बेसिक क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ मिरर। आंखों के सामने बैठो और उसमें ये बोलना है कि यस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड से यस माय नेम इज वीरेन सिंह, आई हैव डन दिस 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 एंड लाइक दैट। वो आप इंट्रोड्यूस करो कि व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड, ये आप उसमें अपने क्या क्या आप बोलोगे कुछ प्रैक्टिस करके जाओ। बिना प्रैक्टिस के तो धोनी भी आज मैच में नहीं उतरेगा, आप लोग अगर बिना प्रैक्टिस के इंटरव्यू में चले जाओगे तो गड़बड़ होगा। मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करो। टिप नंबर नाइन है कि जब भी आप इंटरव्यूअर में बैठते हो तो वहां पे कई सारे लोग अरेंज होते हैं, नेवर इंटरेक्ट विथ एनीवन। क्या करते हैं ना कि कई लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर होते हैं, अरे तुम भी आयो, तुम भी आयो, उसमें से आधे निगेटिव आधे पॉजिटिव लोग होते हैं। तो अगर निगेटिव एक भी मिला तो आपके पूरे माइंड को निगेटिव कर देगा। जस्ट बी काम, हेडफोन लगाओ, शांति से बैठे रहो, या वो तरीके से कि अपने आप को लेस इंटरेक्ट करो ताकि आपके माइंड की एनर्जी को कोई भी नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव पर्संस इंटरेक्ट ना कर पाए। दिस इज द 9 टिप्स। इसके बाद बात करता हूं 10वें टिप्स के बारे में कि जस्ट हमेशा एक चीज याद रखना कि बिलीव इन योरसेल्फ, इंटरव्यू इज जस्ट अ प्रोसेस टू चेक फॉर देयर पोस्ट, नॉट टू चेक योर एलिजिबिलिटी, और यू कैन से नॉट टू चेक योर इंटेलिजेंस और कैपेसिटी और लिमिट। इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अपने जॉब के लिए उनको एक एलिजिबल बंदा चाहिए, ना कि आपके इंटेलिजेंस कैपेसिटी इन सब चीजों के लिए होता है। नेवर डीमोरलाइज, अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करना है। बस एक बात हमेशा मैं लाइन कहता रहता हूँ, इस लाइन पे यही फिट होता है, समझने की कोशिश करना कि मंजिल तक पहुंचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। मंजिल तक पहुंचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। फैसला होने तक हार कैसे मान लूं, जग अभी जीता नहीं मैं भी हारा नहीं। तो जब तक फैसला ना हो तब तक हार नहीं मानना है, पहले ही अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना। चलो, होप कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एंड होप कि आप लोग को मजा आया। थैंक यू सो मच। सीएसआईआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेन सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआईआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।